और ये तो आपको तय करना है। मैं तो जिस दिन ये जो स्थान है जहां बैठे इसे हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, हिंदुस्तान का किसानों के मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान के, मजदूर के, गांव के, गरीब के दिलों में बसते हैं, राज करते हैं आज भी, वो यहां से सांसद थे। पूरी दुनिया जानती है उस महापुरुष को, और उनके बताए रास्ते पर चलने के कोशिश और भी राजनीतिक दल करते हैं। उन्हें पता कि देश की खुशहाली जब तक गांव की, गरीब की खुशहाली नहीं होगी, किसान की खुशहाली नहीं होगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। और किसानों के बड़े नेता श्रद्धे स्वर्ग चौधरी अजीत सिंह जी, वो यहां के नेता थे, यहां के सांसद थे। और जैन जी ने पता नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पाया, जिस दिन ये फैसला हुआ, मैं छपरौली में एक शादी में था, ये बराबर में वेंकट होले, मेरठ से एक बारात आई थी, मैं उसकी सगाई में लड़के की मैं नहीं जा पाया, मेरा विद्यार्थी था तो सगाई में नहीं जा पाया, मुझे तकलीफ भी थी, मगर तेरी बारात में आऊंगा। और एक दो घंटे में एक शादी में जाना था, जब मैं घूमता यहां से शादी में घूम रहा था तो किसी ने टीवी पे उस पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा अरे ये तो बागपत से प्रत्याशी हो गए सांसद के, बोले आप तो सांसद का चुनाव लड़ रहे हो। मैंने सोची मजाक कर रहे हैं, करते रहते हैं, बहुत फर्क है। लेकिन जब चोई साहब का फोन आया 20 मिनट बाद, उन्होंने कहा भाई सांगवान हमने फैसला ले लिया, तुम्हारी 40 वर्षों की तपस्या और समर्पित भाव से आपने श्रद्धे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, उनकी विचारधारा को आगे लेके बढ़ने का जो काम किया, श्रद्धे चौधरी अजीत सिंह जी के मार्गदर्शन में हमने आगे बढ़ने का काम किया, किसान की, गरीब की, मजदूर की लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया, आने को बार जेल गए। 2022 का लोक विधानसभा का चुनाव था और मैं तो मेरठ जनपद के शिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है, जो आप ही के लोकसभा का हिस्सा, वहां से लग रहा था तमाम लोगों का प्रेम, उनका स्नेह, और ये लग रहा था कि भाई उनकी बार मुझे प्रत्याशी वहां से बना देंगे। अंतिम क्षण जिस दिन सूची फाइनल हुई, मेरा सूची में नाम भी टाइप हो गया, बताया किसी ने कि नाम टाइप हो गया, 10 मिनट में तुम्हारा टिकट होने वाला। और तभी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उनके नेता थे, उनको अखिलेश जी ने कहा भाई इनको टिकट देना, आपको चोई साहब ने उनको दे दिया। रात को उनका टिकट हुआ, लोगों में आक्रोश था, मैं समझ गया मुश्किल दौर है, आज चोई साहब हमारे बीच नहीं है, जैन जी को जिम्मेदारी मिली है इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की, किसान की, गरीब की तकलीफों को दूर करने के लिए संघर्ष करने की, बहुत कठिन दौर है। मैं सुबह 7 बजे उठा और मैं उनके घर गया, मैंने कहा विधायक जी आपको चौधरी साहब ने प्रत्याशी बनाया, आपके चुनाव को हम लड़ाएंगे, मैं लड़ाऊंगा, और वो चुनाव हमने लड़ा, चुनाव हम जीत गए।